चाइनीज प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करके भारत में चाइनीज प्रोडक्ट्स की बिक्री में कमी हुई है। आइए जानते हैं, चीन भारत सीमा तनाव के बीच चीनी उत्पादों के बहिष्कार के लिए कॉल सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर सकते हैं, लेकिन ये अभी भी उद्योग के अधिकारियों के अनुसार शाओमी, रियलमी और हायर जैसी कंपनियों के अस्तबल से स्मार्टफोन और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की बिक्री को प्रभावित करने के लिए है। हालांकि कंपनियों ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है, लेकिन इनमें से कई चीनी कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि बिक्री पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। एक स्मार्टफोन कंपनी के वरिष्ठ नेताओं में एक ने कहा कि फोन की मांग में तेजी है क्योंकि लोग कोविड-19 महामारी के बीच घर से काम कर रहे हैं और अध्ययन कर रही हैं, और कई कंपनियों को मांग में उछाल को पूरा करने के लिए महंगे का सहारा लेना पड़ रहा है। एक अन्य कार्यकारी ने कहा कि चीनी कंपनियां घटनाक्रम पर कड़ी नजर रख रही हैं और जमीन पर स्थिति के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी नजर रख रही हैं। ट्विटर पर बॉयकॉट चाइना, गो चाइना और गो चाइनीज गो जैसे विषय ट्रेंड कर रहे हैं। उद्योग संगठन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने कहा कि हालिया घटनाक्रमों के दौरान विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अन्य चैनलों के माध्यम से उपभोक्ताओं के दिमाग में भावनाओं को आकार दिया जा रहा है जो खरीद व्यवहार में प्रतिबिंबित हो सकते हैं। CEAAMA के अध्यक्ष कमल नंदी ने कहा, उपभोक्ताओं को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से संदेश मिल रहे हैं और वे निर्णय ले रहे हैं और ये भावनाएं आखिरकार खरीद व्यवहार में आएंगी, ये काफी अपेक्षित है। इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज महिंद्रू ने कहा कि ये कोई रहस्य नहीं है कि भारत की आपूर्ति श्रृंखला के एक महत्वपूर्ण हिस्से की चीन में जड़े हैं। दिलचस्प बात यह है कि भारत के शीर्ष 5 स्मार्टफोन ब्रांड्स में से 4 यानी शाओमी, वीवो, रियलमी और ओप्पो चीन के हैं और मार्च 2020 की तिमाही में भारत में भेजे गए 32.5 मिलियन स्मार्टफोनों में से लगभग 76% हिस्सेदारी है। दक्षिण कोरिया का सैमसंग जो तीसरे स्थान पर है और उक्त तिमाही में शिपमेंट का 15.6% हिस्सा रखता है। शीर्ष 5 लंबाइयों में एकमात्र गैर चीनी फर्म है। भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार है और 2019 में 152.5 मिलियन स्मार्टफोन्स की शिपमेंट हुई है। काउंटर पॉइंट रिसर्च एसोसिएट डायरेक्टर तरुण पाठक ने कहा कि भावनाएं निश्चित रूप से हैं और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद ही बढ़ेंगी। हालांकि हम मानते हैं कि स्मार्टफोन के भीतर भारतीय उपयोगकर्ताओं के पास ज्यादा विकल्प नहीं है क्योंकि 2020 में स्मार्टफोन शिपमेंट का प्रतिशत चीनी स्मार्टफोन खिलाड़ियों से था, स्थानीय OEM का हिस्सा अब है 1% और सैमसंग, एप्पल एकमात्र मजबूत गैर चीनी विकल्प उपलब्ध है। काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार कोरोना वायरस महामारी के कारण 2020 में भारत में स्मार्टफोन शिपमेंट में 10% की गिरावट आने की संभावना है। एक चीनी उपभोक्ता ड्यूरेबल्स निर्माता ने नोट किया कि इससे स्थानीय मांग को पूरा करने के लिए भारत में विनिर्माण सुविधाओं को स्थापित करने में हजारों करोड़ रुपए का निवेश किया है और देश में बिकने वाले इसके लगभग 90% उत्पाद स्थानीय स्तर पर निर्मित होते हैं। कैरियर मीडिया इंडिया के प्रबंध निर्देशक कृष्ण सचदेव ने कहा कि कंपनी भारतीय कंपनी के मूल्यों के साथ एक भारतीय कंपनी की तरह अधिक चलती है, भले ही इसे चीनी कंपनी मीडिया कॉरपोरेशन द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम 100% स्थानीय विनिर्माण कंपनी है, हम यहाँ जो AC बेचते हैं चाहे वो कैरियर हो या मीडिया ब्रांडेड, स्थानीय स्तर पर निर्मित होते हैं। हम चीन जैसे अन्य देशों से कुछ घटक खरीदते हैं जो बाकी सभी भी करते हैं, लेकिन हम अधिक स्थानीय हैं। तो दोस्तों, चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करने में आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख लीजिएगा। हम जल्द लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ, लेकिन तब तक आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा जिससे आपको हर अपडेट की नोटिफिकेशन मिल सके। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।